मैं संजय सरवर चिश्ती, मेरे एक बयान पे बड़ा बवाल मचा हुआ है जो कि एक स्ट्रिंग ऑपरेशन से लिया गया है, जिसमें मैं कह रहा हूं औरत ऐसी चीज होती है जिसमें लोग भटक जाते हैं। विश्वामित्र जैसे भी मेनका से भटक गए थे और बाबा लोग जो हैं वो जेल में हैं। असल इंटरव्यू तो मेरा बताया कि नहीं गया और ऑफ द कैमरा को बताया। मेरा कहने का तात्पर्य ये था, अजमेर 92 फाइल्स को लेकर मेरा इंटरव्यू था जिसमें मैंने भरपूर ढंग से उस चीज की मजम्मत की है, कल्प्रिट्स की, जो भी इसमें कल्प्रिट थे वो उन्होंने ना सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटी की है बल्कि एक गुनाह किया, एक सिंफुल एक्टिविटी की है, पाप किया, उसको तो ना दिखाकर ये दिखाया जा रहा है। लेकिन तब भी मेरी मां बहन बेटियों को इस बात का बुरा गुजरा है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। और इंसान है, स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं था। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को आप बदनाम ना करें और चंद लोगों की वजह से एंटायर चिश्ती फैमिली को, एंटायर चिश्ती डिनोमिनेशन को आप किसी तौर से बदनाम ना करें, ये वाली मेरी बात कहने की थी। अच्छा, अगर इतना ही लोगों को, इतना हमारी मां बहन बेटियों का ख्याल है तो वो जो पहलवान लड़कियों के साथ दिल्ली में जुल्म हो रहा है उस पर कुछ क्यों नहीं बोला जा रहा है, उस मुद्दे से भटकाने के लिए बोला जा रहा है? और एक ये है कि आए दिन का इस मुद्दे से भटकाने के लिए इस इश्यू को क्रिएट किया जा रहा है। तब भी मैं, उसके बावजूद भी मेरी बात से अगर किसी का दिल मजरूह हुआ है, टूटा है, तो मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मेरे घर में भी मां बहन बेटियां हैं।